इस हिसाब में हमसे पूछा है कि 6.5 × 6.5 मतलब 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 45.45 प्लस 3.5 × 3.5 का होल स्क्वायर। अब बीच में ये 45.5 कहीं ना कहीं देखिए ध्यान से, ये 45 जो है 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 6.5 × 3.5 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, ये 45.5 यही है। गुना करने पर हमको 45.5 ही मिलेगा। तो 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसलिए 6.5 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 किया 0, पॉइंट का पॉइंट 3, 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 इज आवर फाइनल आंसर। 14 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 64 का होल स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर बराबर 20 × x होगा, तो x का मान क्या होगा यह हमसे पूछा गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो 64 माइनस 36 एक बार माइनस में, 64 माइनस 36 बराबर 20 × x। 64 और 36 को जैसे हम जोड़ेंगे तो हमारा 6 × 4 = 10 हाथ में 1 × 6 = 3 × 9 = 10 होगा। गुना 64 में से 36 को घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, 28 बराबर 20 × x। 20 का पहाड़ा में एक बार में, ये 20 के पहाड़ा में 5 बार में, तो 28 को 5 से गुना करना है, वही हमारा क्या होगा, x का मान होगा। तो 28 को 5 से गुना करना है तो 8 × 5 = 40 हाथ में 4 × 5 = 10 × 4 = 14 तो x का मान आ जाएगा हमारा 140। हमारे 15 नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है कि 946 प्लस 157 को जोड़कर उसका स्क्वायर निकालो प्लस 946 में से 157 घटाकर उसका स्क्वायर निकालो बटा 946 प्लस 157 इन दोनों को गुना कर फिर जोड़कर इसका आंसर निकालना। तो इतना करना हमारे यहाँ नहीं है, एक फॉर्मूला याद है जिसमें था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से हम इस सवाल को बनाने वाले हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसके लिए हम एक 2 लगा देते हैं और इसको हटाने के लिए हम इधर पर ही एक 2 लगा देते हैं जिससे ये क्या कैंसिल आउट हो जाए। तो इससे और इस 2 से हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं जिसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 946 का होल स्क्वायर प्लस 157 का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ गुना में है तो ये मंझला ब्रैकेट के साथ हम इस गुना में दे देते हैं। इसका काम तो हो गया, इस 2 ऊपर रहेगा बटा 946 × 946 मतलब 946 का होल स्क्वायर प्लस 157 का भी होल स्क्वायर, ये भी क्या मंझला ब्रैकेट में क्योंकि गुना में है, तो दोनों सेम लग रहा है तो दोनों को हम क्या उड़ा देंगे, तो 2 इज आवर फाइनल आंसर। हमारे अगले प्रश्न 16 नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है कि 753 × 753 प्लस 247 प्लस गुना 247 माइनस 753 × 243 बटा 753 × 753 × 753 मतलब 753 का क्यूब प्लस 247 247 और 247। तो एक चीज़ पहले हम इसको सुधार लेते हैं, 753 × 753 मतलब 753 का होल स्क्वायर प्लस 247 247 मतलब 247 का होल स्क्वायर माइनस 753 × 247 बट्टा 753 753 753 मतलब 753 का क्यूब
प्लस 247, 247, 247 मतलब 247 का क्यूब। तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था जिसका नाम है ए प्लस बी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू था। तो यहाँ पर वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये है, लेकिन ये वाला भाग नहीं, ये वाला भाग नहीं, इसलिए ये वाला भाग हमको लाना पड़ेगा, लाना पड़ना है। फिर ए प्लस बी 753 प्लस 247, ऊपर में इसको काटने के लिए 753 प्लस 247, इन दोनों के मिलने से एक फॉर्मूला बन गया जिसका नाम है 753 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब बटा 753 प्लस 753, 753 का क्यूब प्लस 243 का क्यूब, और पहले से ये नीचे लिखा हुआ है 753 प्लस 247। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से ये जो दोनों हैं आपस में कट जाएंगे क्योंकि सेम मिल रहे हैं। और लास्ट में बचता है 1/753 प्लस 247, इन दोनों को जोड़ना है तो एक का एक बटा का बटा, 7 × 3 = 10, हाथ में 1; 4 × 5 = 9; 10 = हाथ में 1; 7 × 2 = 9; 10 इतना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/1000 इज आवर फाइनल आंसर। इसके बाद हमारा अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि 443 प्लस 222 का होल स्क्वायर माइनस 433 माइनस 322 का होल स्क्वायर बटा 433 इंटू 322, इसका हमको हल निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था जिसमें था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारा काम फॉर्मूला पर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल्स टू होता है a इंटू बी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था पहले पार्ट में। तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल्स टू ए बी। इसी प्रकार इसमें भी वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं, और ये गुना होने के कारण हम इसमें मंझला ब्रैकेट चढ़ा देते हैं जिससे कि ये गुना के ही फॉर्म में लगे, पता चले कि ये इससे गुना के, ये इससे ही गुना, इससे गुना नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। अब ये सेट हो गया है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a इंटू बी। तो a इंटू बी से क्या होगा, 4 × 3 इंटू 3 × 2 = 2। फिर होने के बाद ये क्या हमारा a इंटू बी के फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद हम ये जो है 4 का 4 लिखेंगे, और ये जो नीचे में है 4 × 3 इंटू 3 × 2 = 2। अब देखिए, अब ध्यान से देखने पर ये हमको क्या कटने के फॉर्म में लग रहा है, तो ये दोनों हम काट देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो 4 इज आवर फाइनल आंसर। अगला हमारे 18 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 569 प्लस 163 का होल स्क्वायर माइनस 569 माइनस 163 का होल स्क्वायर, यह भी अवसाई है, इसलिए हम भी इसमें क्या यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 4 से इसको हटाने के लिए हम इधर भी गुना करेंगे। फॉर्मूला के फॉर्म में होने के कारण हम इसको a इंटू बी के रूप में लिख सकते हैं। तो 569 इंटू 163 a इंटू बी के रूप में लिख दिया। फिर इसको हम 4 को ऊपर लिखेंगे, और ये 4 तो फॉर्मूला के रूप में चला गया, तो 569 इंटू 163 हो गया, और ये कटने के फॉर्म में लग रहा है इसलिए हम इसको काट देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। इसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हमको बोला गया है कि 637 प्लस 478 का होल स्क्वायर माइनस 637 माइनस 478 का होल स्क्वायर बटा 637 इंटू 478 का गुना करके हमको आंसर बताना। तो हमने कभी ना कहीं देख लिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 क्या होता है, हमारे पास a इंटू बी होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि हाँ, यहाँ 4 से गुना कर देंगे
और यहाँ पर भी हम 4 से गुना कर देंगे, जिससे ये कट सके और हमारा नियम भी फॉर्मूला भी अच्छे से बैठ सके। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4 क्या होता है, ए इंटू बी, 6 3 7 इंटू 4 7 8, और ये 4 का 4 ऊपर रहेगा बटा 6 3 7 इंटू 4 7 8, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लास्ट में बचेगा क्या, आंसर इज 4। ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही आंसर होता है, ये आपको ज़्यादातर मिलेगा आंसर 4। हमारा 20वें क्वेश्चन में ये है, इसमें हम क्या करेंगे ना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर को ऐसे उतार देंगे, 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब बटा 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, दोनों को उसे उतार देंगे। अब 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दोनों को इसी रह देंगे, प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 156, जानते हैं क्या होता है, 156 होता है 12 गुना 13, तो यहाँ क्या है 12 इंटू 13। कहीं ना कहीं हमारा एक फॉर्मूला बन गया जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें ए माइनस बी होता है तो ये क्या हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म बन जाता है, जैसे कि ये अगर हमने ऐसा ला दिया तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा और प्रिसियस करते हैं, तो 13 का क्यू लिख देते हैं माइनस 12 का क्यू बटा, इसमें हम क्या करते हैं ये वाला टर्म जोड़ देते हैं, ये वाला टर्म इसमें लाएंगे तो क्या होगा, 13 माइनस 12 इंटू 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 13। तो इसको हटाने के लिए हमको यहाँ पर भी एक करना होगा, यहाँ पर करने के लिए हम क्या 13 माइनस 12 लिख देंगे, और ध्यान से देखने पर ही हमारा एक क्या एक फॉर्मूला में बदल जाता है, वो फॉर्मूला कौन सा है, ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू, मतलब 13 का क्यू माइनस 12 का क्यू, यही एक फॉर्मूला होगा। तो इसको हम इसे लिख देते हैं 13 का क्यू माइनस 12 का क्यू, इसको हम ब्रेकेट में कर देते हैं, गुना 13 में से 12 गया तो 1 बचता है बटा, नीचे कौन सा फॉर्मूला आ गया ये वाला, 13 का क्यू माइनस 12 का क्यू, ये कट गया, बचा क्या हमारा आंसर 1 है। बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 21 नंबर, जिसमें हमको ये दिया है इक्वेशन, एक्स का पावर 4 प्लस 16 का एक्स स्क्वायर प्लस 64 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 8, इसको बोला है कि हल करें, हल करें मतलब सिंप्लीफिकेशन करें, मतलब इसको छोटा रूप में करें। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि एक्स का होल स्क्वायर क्या होल स्क्वायर होगा, क्यों, एक्स को 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, प्लस इसको अगर हम 2ab के फॉर्म में तोड़े तो 2 इंटू ए, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर इंटू, अब इन दोनों को छोड़कर बाकी आता क्या है 8 दुनी 16, तीनों को गुना कीजिए तो 8 दुनी 16 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम ऐसे ही रह देंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है एक्स क्या हो गया भैया ए का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, ये एक कट गया ये एक कट गया, बचा आंसर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज़ आवर फाइनल आंसर। इसके लिए आपको नियमों को अच्छा से मतलब फॉर्मूला को अच्छा से याद करना होगा। इसके बाद हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमको बोला है क्या 25 का 3/5 गुना 25 भागा 5 प्लस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा बराबर 549 भागा 9 प्लस 1। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको केवल बोर्ड मास का नियम लगाना है, बोर्ड मास का नियम BODMAS, आप बोर्ड मास के नियम लगाते लगाते ही आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहले आता है ब्रैकेट, आपको कहाँ ब्रैकेट दिखाई दे रहा है नहीं, तो ब्रैकेट का काम नहीं होगा। उसके बाद आता है ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुना, तो मतलब यहाँ पर हमको गुना करना है, तो 5 का पारा में 5 बार में आप 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 बाकी सब कुछ उतार देंगे, गुना का गुना 25 का 25 भागा 5 का 5 प्लस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्वेश्चन मार्क बराबर के बराबर 5 4 9 9 1। फिर इसके बाद आता है ये काम ख़त्म, इसके बाद आता है हमारा डिवीज़न का काम करना है, 15 को 15 देंगे गुना का गुना 5 के पारा में 25 कितना बार में आता है तो 5 बार में आता है,
प्लस का प्लस, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क, 549 को 9 से भाग करना है, 549 को 9 से भाग करना है, 549 को 9 से भाग करना है, तो 6 बार में 54 कट्टम कट्टी, फिर दोनों कट गया तो फिर क्या होगा, एक बार में 9, तो 61 बार में हमारा ये कट जाता है। तो इसके बाद हमारा क्या डिवीजन का भी काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद आता है मल्टीप्लेक्शन, गुना का काम, तो 15 तिया 15 25 75 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 61 प्लस 1, तो मल्टीप्लेक्शन का भी काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद एडिशन, जोड़ का काम करेंगे, तो जोड़ का काम यहाँ 75 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 61 और 1 को जोड़ेंगे तो 62 आएगा, एक इसका भी काम खत्म। सब्ट्रैक्शन, अब पहले इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं मतलब क्वेश्चन मार्क को इधर रह देते हैं, 75 को उधर भेज देते हैं, क्वेश्चन मार्क इधर रहेगा 75 उधर गया, तो 62 माइनस 75, तो 62 में से 75 जाता है, नहीं माइनस में आएगा, माइनस में कैसे आएगा, 75 ऊपर माइनस 62 नीचे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 गया 1, तो -13 इज आवर फाइनल आंसर। आपको किसी क्वेश्चन से डरना नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो आपको सीधा बोर्ड मास का नियम लगाना है और सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये आपका हमारा क्या एक्स वाई क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या -13 आंसर आएगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो आप क्या कीजिएगा ना, ये इसमें आप इसके जगह -13 पुट कर दीजिएगा, देखिएगा आपका सारा सवाल हल हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, जिसमें हमको बोला है कि 108 को 36 से भागा करना है, फिर का फिर 1/3 प्लस 2/5 गुना 3 सही 3/4 बराबर इसका मान कितना होगा, सभी को हल करेंगे तो इसका मान कितना होगा। इसका मान निकालने के लिए हमको पहले इसको थोड़ा सा हल करना होगा, तो बाकी को हम ऐसे उतार देते हैं, 36 का 36 का 1/3 का 1/3 प्लस 2/5 का 2/5 गुना का गुना। इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो 4 को 3 से गुना करेंगे, ऊपर से जोड़ देंगे, इसको इसको गुना करेंगे, इससे जोड़ देंगे, 4 तिया 12 12 3 15 15 नीचे 4 का 4 4 तिया 12 12 3 15 15 के 15, और जो नीचे रहेगा उसको नीचे ही उतार देंगे। इसके बाद हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, तो बोर्ड मास के नियम में होता क्या, BODMAS बोर्ड मास के नियम में पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट है नहीं तो ब्रैकेट का काम नहीं होगा, फिर उसके बाद ऑफ होता है, ऑफ मतलब का मतलब गुना, तो इन दोनों के बीच हमको गुना करना है, तो 3 के पावर 1 बार में 3 के पावर में 12 बार में, तो ये कितना आता है 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो बाकी सबको उतार देंगे भागा, 12 को 1 से गुना करेंगे 12 प्लस का प्लस 2/5 का 2/5 गुना 15/4 का 15/4, फिर इसके बाद हम क्या ऑफ का काम भी हो गया, डिवीज़न का काम करेंगे, तो 12 के पारा में 108 कितना बार में आता है, तो 9 बार में आता है, 12 9 108 प्लस 2/5 गुना 15 ऊपर 4 नीचे, फिर इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन का काम अब हम करेंगे, 5 के पारा में 1 बार में 5 के पारा में 3 बार में 2 के पारा में 1 बार में 2 के पारा में 2 बार में, तो हमारा कितना आता है 9 प्लस 3/2। फिर इसके बाद आता है हमारा एडिशन, तो एडिशन का काम करेंगे, तो एडिशन के काम में हम क्या करेंगे अपना इन दोनों का लसअप लेंगे, 2 आएगा 9 दुनी 18 प्लस 2 के पारा में 3, तो 18 3 कितना होता है 21/2 21/2। अब इसको आपको काटना है तो काटिए, क्या भागा कर लीजिए, कैसे भागा करेंगे, 21 को 2 से भाग करेंगे, तो 10 बार में हमारा 20 आता है, ये ख़त्म, बचा कितना लास्ट में 1, 1 को हम ये जो 1 है यहाँ ऊपर लिखेंगे 1, ये 2 है यहाँ नीचे लिखेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 सही 1/2 इज़ आवर फाइनल आंसर। इसके बाद हमारा अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमको बोला है कि 130 का कितना प्रतिशत बराबर 10.4 होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ हमको कुछ भरना है, 130 का कितना प्रतिशत की 10.4 होगा, तो इसका मतलब बड़ा आसान है, का मतलब क्या आता है गुना, तो 130 गुना क्वेश्चन मार्क के जगह क्वेश्चन मार्क प्रतिशत के जगह प्रतिशत बराबर 10.4, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये गुना है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा, तो क्वेश्चन मार्क प्रतिशत के जगह प्रतिशत बराबर के जगह बराबर 104 ऊपर बिंदु के लिए 1 0 के लिए 1 भी 1 संख्या इसलिए 0, मतलब
104 लिखे ऊपर में, इस बिंदु के लिए एक दिए, एक को संख्या इसके बाद एक को संख्या थी इसलिए एक को जीरो दिए, अगर दो संख्या था तो दो जीरो देते। इधर क्या है, ये गुना था इधर भागा हो गया, भागा हो गया मतलब 1/130। अब 130 को अब हम हल करेंगे। इसको हल करने से पहले और भी हम सोच लेते हैं, क्या सोचते हैं कि 13 के पहाड़ा में 104 आता है, 13 के पहाड़ा में 104 आता है, हाँ आता है ना, 8 बार में, 8 बार में आता है, हमको तो कंफ्यूज हो रहा है। हाँ हाँ कर लेते अच्छे रहेगा, तो कहाँ करे समझो नहीं आ रहा। 13 का 13 3 24 3 40 3 55 5 65 6 73 94 3 80 104, 13 80 104, 13 80 104, 13 80 104, ई 10 बार में, ई 13 80, ई 8 बार में, ई 10 बार में आ गया, तो ये कितना हो गया। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, बराबर 8 ऊपर 10, तो 100 नीचे आ गया, तो ये 100 100 कट गया, तो बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमारा आंसर 8 आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको बोला है कि क्वेश्चन मार्क मतलब इसमें हमको भरना है क्वेश्चन मार्क का 35% बराबर 4, 5, 8 में से 269 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा। तो कुछ करना ज़्यादा कुछ नहीं है, कहाँ का मतलब क्या आता है गुना, तो इसका जगह गुना दे देते हैं, 35 की जगह 35, प्रतिशत की जगह प्रतिशत, बराबर इसमें से घटा देते हैं, तो 4, 5, 8 में से 269 गया, तो 8 ये कितना है, 8, 8 में से 9 जाता है, कतई नहीं जाता है, तो 8 में से जाता है लेकिन ऐसे नहीं जाता है, बगल से क्या पैसा लिया, तो ये कितना बन गया 18, ये कितना बन गया 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 18 में से 9 गया तो 9 बचता है क्योंकि 9 × 2 = 18, अब ये बन गया 4, 4 में से 6 जाता है, नहीं बगल से पैसा लिया, कितना बन गया 14, ये कितना बन गया 3, 14 में से 6 गया तो कितना बचता है 8, 3 में से 2 गया तो 1, तो 189 हुआ। तो फिर इसके बाद हमको बताना क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये क्या इधर गुना में तो उधर गया, उधर हो गया क्या भागा में, तो 189 35 का 35, ये क्या है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए उल्टा में तो 100 यहाँ आ जाएगा। अब 35 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िए कि आपको ये कटे, तो आप काटना होगा प्रतिशत क्वेश्चन मार्क की जगह 1, 8, 9, 0, 0 / 35, अब भागा दीजिए 35 से 1, 8, 9, 0, 0, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो कितना बार में कट रहा है, तो 35 का 35, 35 × 70, 35 × 105, 35 × 105, 35 × 180, 35 × 180, ये कट गया, ये कट गया, 9 बचा 0, 0, फिर इसके बाद हमको 2 मिनट सोचने दीजिए, ये अलग काट देते हैं, हाँ थोड़ा ज़्यादा फूलों फूलों में बह गए थे, तो 35 1, 8, 9, 0, 0 / 4, ये 4 कहाँ से आ गया, तो 35 का पहाड़ा 35, 35 × 35, 35 × 70, 35 × 105, 35 × 140, 35 × 25 = 165, 175, 175, 35 × 25 = 175, भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ गुना कर देते हैं, 35 × 5, 5 × 25 = 25, हाथ में 2 × 5 = 15, 2 = 17, 175 आ गया, काटेंगे तो 1 में से 1 गया 1, और 75 में से 89 गया, तो 7 में से 5, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ये दोनों 0 रह गया, 35 × 35, 35 × 140 होता है ना, तो 35 × 140, ये कटा ये कटा ये कटा, ये जो 0 उड़ के इधर आ गया, तो 540, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 540 इज आवर फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, इसमें क्वेश्चन मार्क गुना 35% बराबर 189 आएगा, इसमें से घटा दिया था इतना आया, फिर क्वेश्चन मार्क को इधर रखे, ये गुना था इधर भागा आ गया, अब प्रतिशत नीचे था मतलब यहाँ पर ही था, ये क्या था इधर भागा था इधर गुना हो गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं, 35 का 35 इन दोनों गुना किया इतना आया, और फिर भागा किया हमारा इतना आंसर आ गया। बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि 1400 का का मतलब एक्स मतलब गुना एक्स परसेंट बराबर 119 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें, तो इसमें कुछ नहीं यहाँ क्या है गुना में तो उधर भागा में, एक्स परसेंट इज इक्वल्स टू 119 / 1400, और ध्यान से देखें इसको,
तो एक्स परसेंट का मतलब क्या आता है, नीचे डिवाइड बराबर 119 बटा 1400, ये दोनों जीरो इससे कट गए, तो ये 14 कौन से पारा से इससे कट रहा है, जिसमें यह 7 के पारा में 2 बार में और 7 के पारा में ये 17 बार में और कट रहा है। चलेगा कि ये जो है ना 17 को अगर 2 से भागा दे तो 8 बार में 16, 1.5 बार में ये हमको 10 दे दे रहा है, तो इसका आंसर आएगा x बराबर 8.5 इज आवर फाइनल आंसर। हमारा अगला सवाल है जिसमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, तो हमारा थोड़ा सा बोर्ड मास का नियम पे ध्यान देते हैं, जिसमें ब्रैकेट है नहीं, ओ का है नहीं, डिवीज़न है, यस डिवीज़न है, तो पहले डिवीज़न का काम करेंगे, लेकिन डिवीज़न करेंगे क्या, तो डिवीज़न करेंगे कि डिवीज़न का काम होगा, तो पहले इन दोनों के बीच डिवीज़न होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, डिवीज़न होगा, क्या होगा, ऊपर क्वेश्चन मार्क का बटा 26 नीचे आ जाएगा, इंटू 17 का 17 रहेगा, बराबर 7225 आएगा। फिर इसके बाद अगर हम करें तो क्या आएगा, तो अगर हम करें तो ये तो कटेगा नहीं, इधर गुना है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में क्वेश्चन मार्क ऊपर में 26 नीचे में बराबर इधर आएगा, तो भागा 7225 भागा 17 हो जाएगा। अब 17 के पारा में ये आता है, इसको अब देखना पड़ेगा, 17 तो करेंगे तो 7225, 17 का 17 17 34 51 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 चौक 68 से 68 जाएगा, कितना बचेगा, 68 59 70 71 72 4, तो 42, 17 का 17 दूनी 34, 2 बार में फिर 34 आता है, देखिए 34 35 36 37 38 39 40 41 42 8, फिर 5 आता है, 17 5 85, 17 5 85, तो ये कितना 425 बार में क्वेश्चन मार्क ऊपर 26 नीचे बराबर 425 बार में, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क 425 को हम 26 से गुना कर देंगे, 425 को 26 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 2 12 3, 15 के 5 हाथ में 1, 6 6 24 1 25, फिर इसके बाद हम 2 से गुना करेंगे तो 5 2 10 के 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 4 2 8 तो 0 का 0, 5 का 5, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 10 1 11, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, 1105, समझा। अगला 28 नंबर में हमको बोला है कि 1 सही 1/8 प्लस 1 सही 6/7 प्लस 3 सही 3/5 का मान कितना होगा, ये हमको बताना है, तो इसको आराम से बनाएंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 8 है 1 9, 9/8 प्लस 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 7 और 6 13, 13 ऊपर 7 नीचे प्लस 15 15 और 3 18 ऊपर 5 नीचे, इसका मान कितना होगा, तो तीनों का लसपा लेके करेंगे तो हमारा इसका आएगा 8 × 7 × 5, तो ये 8 8 कट गया, क्या बचा, 9 7 और 5 प्लस 7 7 कट गया तो 8 5 13, 8 × 5 प्लस, फिर इसके बाद 5 5 कट गया, 8 × 8 × 7, फिर इसके बाद इसको हम अगला सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 7 63 × 5 प्लस 8 5 40 × 13 प्लस 68 56 × 18 बटा 68 56 × 5 × 5 15 के 5 हाथ में 1, 6 5 30 एक 31 प्लस, इन दोनों गुना करेंगे, 13 13 26 34 52 520 प्लस, फिर इसके बाद आता है हमारा इसको, तो 56 को 18 से गुना करेंगे तो 8 6 48 का 8 हाथ में 4, 8 5 40 4 44 गुना 56 को 1 से गुना करेंगे, 56 ही होता है, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, इतना आएगा 1008 बटा 56 को 5 से गुना करेंगे तो 56 × 5, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 5 25 3 28, 280 होगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 0 5, 8 5 13 3 हाथ में 1, 0 2 और 1, 2 1 3 1 4, 5 3
आठ, एक का एक, फिर 280 नीचे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 1843 को 280 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 28। 28 है हमारा कितना, 1680। तो 3 का 3 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 16, 7 में से 6 गया 1, 1 1 खत्म। तो 163 बचा, तो 163 ऊपर, 280 नीचे, आंसर हो जाएगा 6 सही, 163 बटा 280 आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन में हमको बोला है कि 180 गुना 15 माइनस 12 गुना 20, 140 गुना 8 प्लस 2 गुना 55 का मान कितना होगा। यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है, बोडमास का नियम अपनाना है। बोडमास के नियम में जो बी होता है वो क्या था, ब्रैकेट। यहाँ कोई ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट का काम खत्म। यहाँ पर ओ है, ओ है कहीं नहीं, डिवीज़न है कहीं नहीं, मास ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों को गुना करना है, 180 गुना 15, 180 गुना 15, 5 को 0 उसको ना करेंगे 0, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9 गुना 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 0 को 0 0 को 0, 8 9 17 7 हाथ में 1 1 1 2, तो 2700 माइनस। अब 20 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 0 का 0 बटा, इन दोनों गुना करेंगे 14 को 8 से, 14 गुना 8, 8 का 16 24 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 11, तो 1120 प्लस 55 को 2 से गुना करेंगे तो 110। अब इसमें घटाना है हमको, फिर क्या हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन खत्म, एडिशन आ जाएगा, एडिशन मतलब जोड़ना है। 2700 ऐसे रहेगा माइनस 240 बटा 0 0 0, 2 1 3, 1 1 2, 1 का 1, फिर सब्ट्रैक्शन करना है हमको। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कहाँ, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 गया 6, 6 में से 2 गया 4, और 2 का 2, फिर इसके बाद 1 2 3 0, तो ये एक बार में, ये दो बार में, तो आंसर इस 2 बन गया।